प्रदेश सरकार से मांग है कि तुरंत एक बीघा जमीन 15 से 20 लाख रुपए, जिन लोगों के पूरे घर ध्वस्त हो गए हैं, जिनके घरों में क्रैक आ गए हैं, जो रहने लायक घर नहीं है या जिनके पूरी पूरी जमीन बैठ गई है, उनके लिए तुरंत उपलब्ध कराए। एक बीघा जमीन 10 से 15 लाख रुपए, जिनके घर डैमेज हो गए हैं, जिनके घर गिर चुके हैं या जिनकी जमीनें बैठ रही हैं, पूरी पूरी जमीन पहाड़ियां बैठ गई हैं, उन सारे लोगों को एक बीघा जमीन प्रदेश सरकार मुफ्त में तुरंत विद इन मंथ, विद इन 15 डेज मुहैया कराए। और साथ में घर बनाने के लिए मैंने बार बार कहा है कि 10 से 15 लाख मिनिमम, क्योंकि ये डिजास्टर है, एक नॉर्मल डैमेज नहीं है, तो मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए प्रदेश सरकार तुरंत उन लोगों को दे। केंद्र सरकार ने इतना पैसा दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार बताए, अभी मैं देख रहा था बाकी जिलों को कितना पैसा गया है, लेकिन हमारे बिलासपुर के लिए कितना पैसा आया, और आखिर ऐसा क्यों? और अभी तक सिर्फ ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 1.5 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 करोड़, इतनी बड़ी त्रासदी। तो प्रदेश सरकार है किस लिए? प्रदेश सरकार कर क्या रही है? ये सीधा कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दो भाई। आप लोग, आप कितने दिनों बाद जाके, ये मैंने आप सब लोगों के समक्ष इन विषयों को लेकर आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था। यह सरासर गलत है। मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि तुरंत एक बीघा जमीन 15 से 20 लाख रुपए, जिन लोगों के पूरे घर ध्वस्त हो गए हैं, जिनके घरों में क्रैक आ गए हैं, जो रहने लायक घर नहीं है या जिनके पूरी पूरी जमीन बैठ गई है, उनके लिए तुरंत उपलब्ध कराए। एक बीघा जमीन 10 से 15 लाख रुपए। और दूसरे, खेती के लिए जमीन अगर नहीं है, जिनके घर टूट गए हैं, जिनके डंगे लग रहे हैं, उनको तुरंत लगाएं, जिनकी सड़कें बननी हैं उनको तुरंत लगाएं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को जिनके घर के आगे पीछे डंगा लगना है 1 लाख रुपए दिया है, 1 लाख रुपए पर केंद्र सरकार दे रही है, उसको तो नीचे तक पहुंचा दो। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।